उसे लेके केंद्र नहीं, वो एक स्टेप है। जीव तत्व से परमात्म क्यों, जीव तत्व से शिव तत्व और शिव तत्व से सदगुरु तत्व। सदगुरु माने गुरु साक्षात, और सदगुरु कौन स्थान आ जाता है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मे भी श्री गुरु है। तो शिवन से आगे शनि गंता, शनि पंथा, शनि पर्वत लंघन, शनि शनि धीरे धीरे क्रमश आना है, क्योंकि आप लोग गृहस्थ आश्रम के हो, तो गृहस्थ आश्रम से तुरंत आध्यात्मिक में एक साथ आपको गहरा भाव को नहीं आ सकते, तो क्रम क्रम आएंगे तो धीरे धीरे उसकी कृपा होती जाएगी और उसकी जो ऊर्जा शक्ति है वो आपको भक्ति भाव समर्पण का ऊर्जा देते जाएगा। हम क्या करेंगे उसकी भक्ति जब तक वो न कराए, हम क्या करेंगे उसको ज्ञान जब तक वो हमको ज्ञान न दे। तो हमको नमन होकर के उन केंद्रों को ये करना है, वो हमारे सबके अंदर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, समझे, मतलब नास्तिक आस्तिक सबके अंदर वो केंद्र सब है। सृष्टि का केंद्र है स्थिति, काम केंद्र है, फिर स्थिति का केंद्र है, फिर लय का केंद्र है, फिर उसके बाद में परा ज्ञान परा भक्ति का केंद्र है, फिर उसके बाद में आज्ञा चक्र का केंद्र है, जो आज्ञा करता है जीवत्व से परमात्म की ओर, मन सीमा से असीम में ही होने के लिए, फिर सहजता जहां पर हमेशा रास हो रहा है, जिसको हम लोग लौकिक में रास देखते हैं प्रतीकात्मक में, वो सहजता का ये है, वो ऐसे नहीं आका दिया है। उस पर मैं कई बार डिस्कस किया हूं, मेरे ऑडियो वीडियो है, लेकिन आज लाइफ में आपको मिल जाएगा, ये सौभाग्य की बात है कि मैं वो जगह पर आने पर ही ना फिर उसे वही सब खुलने लग जाता है, उसी में मगन रहता हूँ तो बातें खुल जा रही है, समझ आए नहीं है उतना उसको जो सीरियसली नहीं लेने का है। तो उसको जो चक्र सब है, पहला चक्र से नमन करने का है, वो गणेश का केंद्र है, फिर रति काम का केंद्र है, फिर ब्रह्मा सरस्वती का केंद्र है, फिर लक्ष्मी नारायण का केंद्र है, फिर परा गौरी और शंकर का केंद्र है, वो चक्रों में ये सबको पार करके फिर सदगुरु देख रहे हैं असर कहां पर लगा है, तो गए ना गुरु में देखे ना आपको यहाँ झलक रहा है, एक अरे देखते हो चक्र, फिर वो गौरी शंकर वो दोनों शक्ति और पराभक्ति परा ज्ञान शक्ति का वो आखिरी केंद्र, उसके ऊपर जो चौधरा के ऊपर में एक है वो आज्ञा चक्र का केंद्र है, वहां से जब आज्ञा मिलता है तब सीमित से हम असीम में समाधि में जाते हैं, तब जीव जीव नहीं होकर के शिव होकर के स्वयं ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन कहीं उसका प्रतीक रहेगा, कहीं उसको प्रमाण करने वाला कोई रहेगा, ये सब जानकारी रहेगी तो आपको आसान हो जाता है ना। तो ये अगर एक बार में नहीं जानकारी हो तो मेरा ऑडियो वीडियो है, उनमें मैं डिस्कस किया हूँ इन चक्रों पर, ये जो तत्व पर है, लेकिन उसकी गहराई उसको सीरियसली नहीं लेने का है। कोई भी बात को ज्यादा ऐसा नहीं सोचिएगा कि दुर्लभ है, तुम्हारी दुर्लभ दुर्लभ की धारणा ने उसे अति दुर्लभ कर दिया, इसलिए वो कैसा वो क्या बोला है कि जाती हुई भावना जैसी। तो हम लोग का भावना क्या है कि परमात्मा दुर्लभ है, ये धारणा बना रहे थे पंडित पुजारी मौलवी पाले, वो उन लोग दुर्लभ बोलेंगे तो उनका इनकम है ना, अरे दुर्लभ वो सुलभ करेंगे तो फिर उनको फाइन दो, ठीक है ना, बुरा मत मानिएगा, बात समझ आ रही है ना, मतलब वो सुलभ है अभी है और क्या है सुलभ है, कितना सुलभ है, ये तीन बात मैं खत्म करता हूं, वो सुलभ है अभी है और यहां अनुभव करो, ऐसा तो जहां भी आप सांस ले रहे हो मुंह को कहां ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं मैजिक ना काबे कैलाश में, खोज होई तो पग भर में मिल जाऊं हर सांसों की। ये हिंदी भाषा समझ आ रहा है ना, हिंदी सब समझ रहे हैं ना, और सांस 24 आवर चलता है कि नहीं, और आपके चलाने से नहीं चलता है, वो अपने आप चलता है, आप सांस लेते आप सांस सेवते लेते नहीं है, वो स्वाभाविक है, यानी आपके आपके कोशिश से सांस नहीं चलता है, ये मालूम है ना, वो कैसे चलता है, स्वाभाविक चलता है, यानी कि आपका बिना आपका कोई भी कामना उसमें जुड़ता नहीं है, निष्काम भक्त। एक छोड़िया में कहावत है
आसुची जाऊची बारण नौची कई भाषा में बोल दे रहा हूँ आसुची जाऊची आसुची मतलब समझे आसुची जाऊची बारण नौची दिने मन ताकु चिन्हलु नाही भज मन कड़ाक नाही कई भाषा में बोल दे रहा हूँ। ये जब मैं लैंग्वेज यूज करता हूँ तो दिस साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ होल यूनिवर्स ऑफ वाइब्रेशन अभी तो साइंस इसको प्रूफ कर चुका है जो जितना निकल चुका है ना जो लाइट का सब आपको प्रूफ मिल चुका है अदृश्य में जो है साउंड ऑफ वाइब्रेशन को कैच किया जा रहा है और विज्ञान एक दिन ये परम तत्व को भी कैच करके आपको डिस्कस करके प्रूफ कर देगा और उसमें फिर ये पहला का आवाज आपको सुनाई जब दे देगा तो अपने आप पता लग जाएगी ये किसने कहा था। वो आ रहा है जा रहा है वो 24 आवर्स यू अंडरस्टैंड हर सांसों की सांस में हर का मतलब बहुवचन आ गया नॉट एज इंडिविजुअल इज नॉट योगी त्यागी इज नथिंग नॉट इंडिविजुअल उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है और ना हिंदू कोई आइडेंटिटी नहीं ये तो हम लोगों ने बनाया है ना हिंदू के घर में पैदा हो गए हिंदू हो गए मुस्लिम के घर में पैदा हो गए मुस्लिम हो गए बात पकड़ मारे मतलब ये तो इंसान का बनाया हुआ है ना परमा जब पैदा होता है बच्चा तो उसका कोई जात नहीं होता है मालूम है ना बाद में हम लोग उसको संस्कारित करते हैं और सभी जातों के परे उसकी बात है तब उसकी मुलाकात है बड़ा अच्छा लगा ना सभी जातों के ऊपर उसकी उसकी बात है सभी जातों के ऊपर उसकी बात है तभी उससे मुलाकात है तो बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ना ये नैरो माइंड एकदम छोड़ देने का ऐसा सोचिए अभी है और यहाँ है जब भी बैठे प्रभु के चिंतन में जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं इष्ट मानते हैं है ना तो जब भी बैठे तो ऐसा सोचे वो अभी है क्या है याद आया मतलब आसपास कहीं है जैसा फूल का सुगंध आता है ना तो लगता है कहीं पर खिला है नहीं तो सुगंध कैसे आ रहा है तो आसपास कहीं खिला है तभी ना सुगंध आ रहा है इसी तरह से जब आपको याद आ रहा है मतलब वो आ गया है आपको याद वही दिलाता है तब आपको याद आ आप क्या उसको याद करेंगे आप अगर याद करते होते तो कब तक क्या हो गया होता वो याद दिलाता है तब आप याद करते उसकी वो कहता है मैं ही भुलाता हूं मैं ही भटकाता हूं मैं ही राह मिलाता हूं मैं ही राह दिखा करके अपना नाम जपा करके अपने को दिखा करके अपने में उसका काम वही कर लेता है। हमें तो निमित्त हो जाना है हमें राजी हो जाना है क्या हम राजी हो गए कि राजा हो गए इतना मजे की बात है ना हमें राजी हो जाना है। आपके प्रश्नों का कुछ उत्तर अपने आप में बोल दिया जा रहा हूं आपके कहीं अंदर था कुछ क्या ऐसा कुछ था जो उत्तर हो रही है मैंने जो आप समझाना महसूस करना चाह रहे थे यानी जो आप सोच रहे थे दुल्हा दुल्हा उसको सुलभ कर दिया ना हुआ कुछ तो इस सत्संग में आने पर कुछ हुआ ना है अरे सब पे ही हो रहा है लेकिन डायरेक्ट आप पर जब नजर पड़ी है ना तब उस पर दृष्टि पड़ जाती है और जब दृष्टि पड़ जाती है और वो दृष्टि दृष्टि से मिलता है तो उसको दृष्टा बनने में देर नहीं होता है इतना तक अहित कृपा हो जाती है उसकी आनंद है बहुत आनंद बहुत आनंद आज धुन चढ़ गया है जैसे क्या बोलने लगी हूँ ठीक आप लोग बीच में ना और रद्द करने के लिए बिना लेके कोई रहेगा ना हम लोग में क्रोध हम लोग का सनातन में नारद नहीं है नहीं वो कहते हैं कि अब ना करो और ये अलग प्रसंग को रद्द करो क्योंकि यहाँ से उठना है और वहां पर आसन लगा हुआ है ये ना तो वरना तो नारद का स्थान दिया मामूली जगह है अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर नारद को प्रणाम करते हैं लेकिन बड़ी मजे की बात है नारद का एक ये भी डेफिनेशन है ना बोलने वाला वस्तु को जो रद्द कर दे ना ही तो द्वंद है ना ही तो अज्ञानता है ना ही तो अभाव है ना तो ना को जो क्या कर दे तो मामूली जगह नहीं है ठीक है ना को जो रद्द कर दे वो ना रद्द है अब समझ आया मतलब रद्द कर वैल्यूलेस नहीं नाम का कुछ चीज नहीं है इसलिए नहीं का नाम कितना ब्यूटीफुल उसको नाम मिला है देखो क्योंकि नहीं नाम का कुछ नहीं है इसलिए उसका नाम नहीं है तो आज से क्या बोलेंगे आप नहीं वाला बात नहीं लेंगे ना उसका नाम ही है वो खुद बोल रहा है कि मेरा नाम नहीं है और आप नहीं मान रहे हो आप मेरे को ही पकड़ लिए पकड़ो तो हो क्योंकि नहीं बोलने से दुख होता है और हाँ बोलने से है हाँ बोलने से आदमी जीव से हमसा तक हो जाता है सोहम 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 अहम ब्रह्मी हो जाता है इसलिए आज से हाँ बोल रहे हैं हाँ और अभी है यहाँ
हुए थे नहीं, होंगे नहीं, हुए थे तब तो मिस कर गए ना, होंगे फिर भी मिस हो गया ना, है बोलने से। और बोलती है, बोलते हैं है जैसे आप सोच लेंगे तो जाके हुई भावना जैसी, ये बात पूरी हुई, कौन सी बात पूरी हुई? हाँ अच्छा लगा आज इतना ही वीणा पर किया उत्तम अच्छा ये आसन को भी जरूरत था ना, यहाँ पर पड़ा था कौन लोग यहाँ कर कहने को नहीं रहेगा कि हमने आपका सारा व्यवस्था किया यहाँ पे वाइब्रेशन। देखिए जब भी कोई साउंड और वाइब्रेशन होता है ना, जो स्थिति से होता है वो ये सब ग्रहण कर लेते हैं, इसे जड़ से जो चीज निकलता है, जड़ से जो चैतन्य निकलता है, ये जड़ वचन को सक्षम करके चाहते, इसलिए सिद्ध पीठ बोला जाता है, मालूम है ना। तो पीठ का मतलब क्या होता है? हड्डी ईटा का कोई स्थान होता है उसको हम लोग पीठ स्थान कहते हैं, वही स्थान सिद्ध हो जाता है जब पुरुष चले जाते हैं, अरे वो नहीं रहते लेकिन उनका सिद्ध पीठ अमर हो जाता है कि नहीं, तो इसी तरह से सब सिद्ध पीठ है। इसलिए जहां तक कोशिश के आना जाना बना रहता है, आज आना जाना बना था बोलते ना, इतना बात खुली है, बहुत बातें खुली है, फुर्सत से हाथ मोड़ के जब दूसरा मिलेगा ना तो देखिएगा कि बड़ी लंबी सफर की बड़ी जो जिज्ञासा थे साफ साफ हो गया। आज सब का हम किसको खराब मिल जाते हैं, लेकिन उनको देख के बोलता हूँ कि बाकी में सोचा था कि खाली उनके लिए तो निमित था, भाई को देख कर बोल रहा हूँ तो सभी यहाँ तक कि ये सभी साउंड ऑफ वाइब्रेशन साइंस प्रूफ करे है, जो भी साउंड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो ग्रहण कर लेता है और फिर उसका रिएक्शन में उसका जो रिबाउंड हम लोग को आता है बात में नहीं मिलता। तो अब यहाँ पर जब भी आएगा तो बड़ी शांति लगेगी, मैं रख ही अंदर हूँ इतना आदमी और थे आपको दर्शन के लिए, देखिए इतना आदमी और थे आपको दर्शन के लिए। शामिल होते हैं ना, हमारी ऑडियो और वीडियो में जरूर शामिल हो, क्योंकि आप लोग की भाव भरी दृष्टि जब उस पर पड़ती है तो मेरी बोलना तोतलाहट में बदल जाता है, इसलिए ऑडियो वीडियो ऐसा रखा कि वहां खुल करके उसमें आप जरूर शामिल हो। खाली वो कानून में आवाज चला जाए वो कैप्सूल का काम कर जाएगा, हाथ ज्यादा नहीं लगाने का है, बस ग्रहण करने का है। अमृत को अर्थ लगाने से फिर वो बाहर ही रह जाएगा, फिर हम नहीं अमृत नहीं हो सकेंगे, बस पान कर लीजिए, देखिए फिर उसका अपना क्या परिणाम आता है ना, उसको बचना अमृत कहते हैं या प्रवचन कहते हैं। ऑडियो वीडियो रहे मैंने उनको शामिल रखे हुए है ना, ऑडियो वीडियो रहे शामिल रखे हुए मैंने, ऑडियो टाइम थी चले थी, इसलिए जैसे कि जाने अनजाने उसका जो साउंड ऑफ वाइब्रेशन है वो उनको लगा रहे।
आधा देर बैठता हूँ, फिर उठते हैं। अपने अंतर में, चाहे आप किसी भी मजहब के हों, किसी भी गुरु को अंतर में आह्वान करें, क्योंकि अंदाजे फीवर देखना और थर्मामीटर लगा करके देखना बहुत फर्क पड़ जाता है। अंदाजे में ठीक नहीं मिलता है कि कितना फीवर है, लेकिन मीटर लग जाने से उसी तरह से। तो यहां मैं प्रत्यक्ष बात को प्रमाण करता हूं, वेरी साइंटिफिक, वेरी लॉजिक, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी प्रेजेंट। जब भी मेरे दरबार में बैठे या इस आसन के पास बैठे या जहां भी आसन लगा है, वहां पर अपने इष्ट या गुरु का आह्वान कर लीजिए वहां पर, ठीक है। यूनाइटेड इज ऑल इष्ट एंड गुरु का एक संगठित स्थान होकर के जब आप मन विचार हृदय समर्पित होकर के कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से जब समर्पित होंगे, तो शक्ति का वहां आह्वान हो जाता है ब्रह्म आसन पर। और देखिए कि जब ये सारे शक्तियों का सम्मिलित वो आसन, ठीक है, वहां पर आप केंद्रीभूत है, और जब भी आएंगे तो आपको पता लग जाए कि हमने अपने गुरु को यहाँ बैठा लिया है, या जितने भी हुए थे सदगुरु उनको यहाँ आह्वान कर लिया है, वो तो भाव रहेगा ना। और एक आदमी आया बिना हिचक उसमें बैठ गया, ऐसा कैसा हो सकता है? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब वही नहीं होने से वो आसन नहीं ग्रहण कर सकता। ये मैंने मीटर दिया आपको, क्या बोलते हैं, वेरी साइंटिफिक। अभी विज्ञान का जमाना है ना, तो विज्ञान के ढंग से बोलने से समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये थर्मामीटर से चेक करो, ऐसा नहीं कि मेरे को फीवर है, नहीं नहीं, मीटर लगेगा अपने पता लग जाएगा 99 है, 105 है, ठीक है। तो मैंने आपको मीटर दे दिया। और इच्छा और सहज मीटर क्या होगा है? जब भी आओ, जहां भी ब्रह्मासन लगा हुआ है, वहां पर स्वयं परमात्मा को आह्वान करो, और बीच बीच में देखो कि वो कौन पागल आकर उसको बड़ी मजे से उस पर बैठता है, बड़ी मस्ती लेता है, जैसा आप लोग उसको याद करके मगन होते वो भी मगन हो जाता है, और मगन होकर के कुछ हमारे दिल की बातों का उत्तर देना शुरू कर देता है, जो कि हम बिना भी उससे पूछे नहीं रहते हैं, और वो बोलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब दिल की बात को जानता है ना वो, क्योंकि दिल से स्वीकार किया उसको, तो दिल की बात को उत्तर देता है। आज इतने, आज मैं 2-3 आसन ग्रहण कर चुका हूँ, और हर जगह ही कुछ ना कुछ चर्चा हो चुकी है, ऐसा संयोग है शायद। आज आप लोग के साथ भी इतना था, बस इतना समझिए कि सदगुरु की वाणी एक कैप्सूल जैसा है, सब जो है वो कैप्सूल का कवर है, भाव उसका जो अंदर पाउडर है, क्या समझे, लक्ष्य उसका पावर है। तो इतना मत सोचिए कि खाई कि ना खाई, बस मुंह में डाल ली, अब देखिए उसका उसका क्या काम होगा। अब संदेह करो कि खाई कि ना खाई, तो ऐसे रह जाए और जो हो कहता ना हो, ठीक है ना, ठीक है ना। शायद आप लोगों के रंग में रंग जाता हूँ तो आप लोगों का भाषा भी आने लग जाता, कुछ ऐसे भाषा वाले हैं क्या? सभी को है। आज करीब हम 12 साल के बाद में ये भाषा बोलत है, लेकिन हिंदी बोलत रही, लेकिन कहा जाने आज बोले लागल, रउआ सबके रंग में रंग गई ना, तो रउआ के जो भाषा रहे हमरे में निकले, ये रहे कि ना रउआ हमसे अलग बानी ना हम अलग से, इतना अपनापन जहाँ रोला वही सदगुरु के संगत हो, न वो तो उससे जुदा है ना तू उससे जुदा है, ए बंदा तू कहाँ पहुंचता है वो कहाँ खुदा है, वो खुद में बसा है, इसका नाम उसका खुदा है, क्या समझे, वो खुद में बसा है इसलिए उसका नाम खुदा है। ये सब थोड़ा अति हो जाएगा, हमारे माता बहन इतना गहराई मत लीजिए, ये सब कैप्सूल हो जा रहा है, आप लोग होम्योपैथी चलाइए, बहुत आनंद है। जो भी आसन में बैठे उसको चार्ज करने के लिए थोड़ा बहुत तीनों काम करना पड़ता है, शब्द भाव लक्ष्य। तो जब भी आप लोग आए, जहां भी आपको दिल करे, स्वतंत्र है, जहां भी आप बैठे, बस अपने सदगुरु को, गुरु ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा से शुरू करें, गुरु ब्रह्मा उनको आह्वान करें, फिर ब्रह्मा मतलब सृष्टि के स्वरूप में हम आपको, सृष्टि मतलब संचालित रूप में, यानी हिलते डुलते में
ब्रह्मा मतलब सृष्टि, हे अरूप ब्रह्म, ब्रह्मा मतलब सृष्टि, सृष्टि स्वरूप में हम आपको जानना चाहते हैं, हे ब्रह्मा उस अरूप को स्वरूप में हमें साकार में देखने के लिए और चलता फिरता हिलता दौड़ता ऐसा स्वरूप में उसको प्रकट कर दो। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु उसके भाव में, और उसके भाव में जैसे वो मेरे से मिले वो इतनी भाव की बातें कहे कि हम उस भावातीत, इस भाव के जरिए उस भावातीत में मगन होने लग जाएं और उसमें हम मगन हो जाएं, हम उसमें मगन और धीरे से शांत होकर कहीं लीन हो जाएं उसी के भाव में, तो गुरु विष्णु और उसके भक्ति और जो संदेह थोड़ा था वो भी मिट जाए, ये गुरु विष्णु। और गुरुदेव महेश्वरा कि जो बात आज तक पर्दे में था, हमको पता ही नहीं था कि ऐसा होने से होता है, वो बात का पता मिल गया तो शंकर जी की कृपा हो गई कि ना, तब ना बाकी छे, अब कुछ ना बाकी छे, ठीक है, अब छे वालों को छू गया, बहुत आनंद है। मैं सच्चिदानंद हूँ, और हमेशा सोचिएगा, हमेशा सोचिएगा वो अभी है, और अभी है वो कहाँ है, नहीं नहीं, जब आश्रम में आ गए, आश्रम को मतलब यहाँ पर वो आश्रित है, जहाँ आश्रय, जहाँ आश्रय लेने पर क्या समझे, वो मकार तत्व ब्रह्म, वो वहाँ उससे आपका संगत होता है, उसकी अहितु कृपा से आप लाभान्वित होते हैं, समझे, मतलब जहाँ आश्रित होने पर ये वो आश्रय, वो मकार तत्व में प्रकट होकर के कहता है सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, न तुम मुझसे कम हो न मैं तुमसे कम हूँ, इतने सहजता से तुम्हें जो स्वीकार कर लेता है, और हर सांसों के साथ में मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो बहुत आनंद है, अपने अनुभव करें, और आज ये बात हमेशा याद रखें, जब भी आए तो आसन में उसको आह्वान करें अपने अपने, जिनको भी आप मानते हैं, आपको ये नहीं कहूंगा कि इंडिविजुअल अलग से हम ही को माने, क्योंकि हम ही माने क्या, एक जो जो सब में समाया है और सब जिसमें आया हुआ है, तो आप जिसको भी मान रहे हो उसमें भी तो ही समाया हुआ है, तो आराम से वो आपको फ्रीडम देगा, और स्वतंत्रता जो ना दे, जो शुरू से ही आपको मुक्त ना रखे, वो मुक्ति क्या देगा, बांधेगा कि तू तो ब्राह्मण तू तो छतरी, अब तो बंध गए तू, तू ही बा तू बा, बंधन जब कोई बांध देता है, गुरु बांधता नहीं है, गुरु क्या करता है, स्वतंत्रता देता है, तुम जो हो जैसे हो मुझे मंजूर है, कैसा रहा, तुम जो हो, नास्तिक भी हो, अच्छा नास्तिक आदमी बोलता है हम नहीं मानते, कोई पूछे किसको नहीं मानते, बाबा जी को नहीं मानते, ते बाबा जी का क्या दरकार था तेरे को याद करने का, अब नहीं मान के भी तू याद कर लिया ना, गया तू, तू नहीं बोलेगा तब भी जाएगा, कई लोग बोलते ना, अच्छा जितने हम देखे अपने लंबे समय के अंदर में, जो लोग नहीं नहीं बोले उन लोग एकदम दीवाने हो गए, और जो लोग हाँ बोले हैं उनका भी थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि बड़े हल्के से हाँ बोल दिए ना, और नहीं वाला ठान लिया था नहीं, और नहीं का जब हाँ होता है तो कस के हाँ होता है, अब नहीं बोल रहे हो लेकिन उसको भूल नहीं पा रहे हो, अच्छा ऐसा कैसा हो सकता है, नहीं है तो हटाओ भाई, अपना ब्रह्मा विष्णु शंकर को लाओ, अपना गुरु को लाओ, नहीं 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 जाने बार बार वो कैसे याद आ जाए हमारे, और देख ली कि सपने में भी ये देख ली उनके, जाने कैसे आगे निकल, नहीं तो उनके हम सोचा नहीं कि ना याद करा, क्यों हुआ कि एक दिन बोले बाबा क्या नहीं देगा, हम जो बड़ा लागत बोला के हम नहीं माने तो तू फिर बोला बाबा क्या ले, तो तू नहीं कहेगा तभी हो जाएगा, नहीं में भी मैं हूँ और हाँ में भी मैं, ये थोड़ा गहरा हो गया बात लेकिन बड़ा सरल है ना, इसलिए तुम नहीं भी कहो मुझे बड़ी खुशी लगता है, नहीं करके कम से कम याद तो किए, अच्छा एक बात बोलो, नहीं नहीं बोल के अगर प्लग लगाओगे तो बत्ती नहीं जलेगा, लाइन चालू रहेगा तो, कि खाली हाँ बोल के प्लग लगाओगे तो तुम जैसा भी हालत प्लग लगाओ अगर पावर है तो गए भैंस पानी में, बहुत आनंद, बहुत आनंद, थोड़ा आनंद कर लो, इतना उदास टाइम पे बैठो, सच्चिदानंद के दरबार में बैठे हो, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, आज पटाऊ बोले थे कि हम पटाऊ को बोल रहे थे कि विश्व में एकदम समाधि स्थिति में पड़े हुए थे, तो पटाऊ बोले कि आप आश्रम चलिए, तो फिर अब वही उनका प्रमाण ऐसी स्थिति में थे, और यहाँ आकर के दो दो लेक्चर अटेंड हो चुका अभी तक ना, दो तीन